अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पैरट बहावलपुर। दोस्तों आज की वीडियो है दाने पर, सीड्स पर, जैसे रिंगनेक और पहाड़ी के लिए इस्तेमाल होता है जो दाना, ये तो ऐसी बात है, दाना इनके लिए 12 महीने ही इस्तेमाल होता है और इसमें ब्रीडिंग सीजन का दाना अलग होता है और ऑफ सीज़न का दाना अलग होता है। तो आज हम बना रहे हैं ऑफ सीज़न का दाना। इसमें टोटल 7 चीज़ें इस्तेमाल करेंगे जैसे आपके सामने पड़ी हुई हैं। इनमें सबसे पहले है कंगनी, ये लाल ये सादा हो पड़ी जो मर्जी हो, ठीक है। दूसरे नंबर पे इसमें आ गई कनेरी, ये कॉमनली है। तीसरे नंबर पे इस पर आ गया गौतम पोलियो। चौथे नंबर पे आ गई सूरजमुखी, सही। पांचवें नंबर पे धान। छठे नंबर पे बाजरा और सातवें नंबर पे इसमें आ गया चीना। अब टोटल मेरे पास 7 चीज़ें इस टाइम अवेलेबल है। इसमें जो अब मैंने ये सारी बताना, मैं तो इकट्ठा बनाता हूँ। इसमें जो कंगनी है इसकी तादाद है, इसका रेट है इस टाइम मेरे पास जो है 5 किलो, और जो कनेरी सीड है ये 7.5 किलो, गौतम वो भी 5 किलो, सूरजमुखी 5 किलो और धान 5 किलो, और बाजरा इसमें है पड़ा 10 किलो और मशीना है पड़ा टोटल 20 किलो। ये तो हो गया ऑफ सीज़न का दाना। जो सीज़न का दाना है वो अलग होता है। फ़िलहाल आज हम बनाएंगे ऑफ सीज़न का दाना। आप इसमें जो मेरे पास जो इस टाइम कंगनी है ये लाल है, आप लाल ले लें, सादा ले लें, पीली जो होती है चलेगी। और सूरजमुखी का दाना जो है ये आप ये वाला भी ले सकते हैं, ये थोड़ा महंगा होता है, 180-170 रुपये किलो, और दूसरी आती है 100, आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक हो गया। तो चलें इसे मिक्स करते हैं फिर देखते हैं। ये लड़के मिक्स कर रहे हैं सारे दाने को, मिक्सिंग हो रही है अभी, तो वैसे ही एक दूसरे के ऊपर डालते हैं, बाद में इन्हें आपस में अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे तो ऐसे हर चीज़ बराबर मिक्स हो जाए। तो एक चीज़ है कि आप में दाना लेते हो इसकी क्वालिटी लाजमी चेक करनी है, क्योंकि इसमें अगर कोई चीज़ 100 रुपये किलो है तो कोई 120 है, कोई 80 है। एक ही चीज़ जैसे बाजरा हो गया 40 रुपये किलो है, 80 रुपये, 160 रुपये, क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अब सूरजमुखी जो मेरे पास है इस टाइम वो 2 तरह की इसमें मैंने डाली हुई है, आधी इसमें 110 रुपये किलो वाली है दरमियाने साइज़ में लेकिन साफ, और आधी इसमें 180 रुपये किलो वाली बड़े साइज़ में जो इंडियन सूरजमुखी होती है वो। और ये कुछ दाने जो मेरे पास बच गए हैं एक्स्ट्रा थे, इसमें चीना भी है पड़ा, सूरजमुखी भी है, अपना बाजरा हो गया, कनेरी, और ये भी कनेरी। ये कोई नहीं, अगली दफ़ा काम लग जाएगी, थोड़ी एक्स्ट्रा है तो फ़ायदा ही, नुकसान तो नहीं है। बाकी ये मिक्सिंग हो रही है, ये चले अगर एक ही दफ़ा बंदा बना रहा तो उसका फ़ायदा ये है कि आपके 2 महीने 3 महीने जो भी एक होता है वो तो पीरियड निकल जा रहा है डेली डेली बना से। अच्छा, इसमें एक और मैं बात आपको बताता चलूँ, जैसे अब इसमें कनेरी हो गई तो मैं जैसे लाल लाऊँ, ये मैं लाऊँ 130 रुपये किलो, सबसे अच्छी क्वालिटी में जो आती है 130 रुपये, इसमें 120 वाली भी होती है, 110 वाली भी। अच्छा, इसमें दूसरे नंबर पर जैसे अब कनेरी हो गई, सॉरी पहले कंगनी की बात कर रहा था मैं 130, और अब बात करूँ कनेरी की, कनेरी इसमें आपको मिलेगी 170 रुपये, 165 रुपये किलो, अच्छी क्वालिटी में जो है, ठीक। जैसे अब इसमें चीना होगा ये आपको मिल जाएगा 90 रुपये किलो, बाजरा 40-45 रुपये किलो, सूरजमुखी जो मैंने बताई एक 110 रुपये, 170 रुपये किलो, बाकी कौतम आपको मिल जाएगा 130 रुपये किलो, ठीक हो गया। उसके बाद धान आपको 40-45 रुपये किलो मिल जाएगा। बाकी यानी कि ये इस टाइम जो प्राइस है अभी 2020 में जो इस सीज़न में ऑफ सीज़न में चले वो ये है दाने की प्राइस।
तो दोस्तों इसमें अब दाना जो हमारा है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है, हर चीज़ आप देख रहे हैं बराबर मिक्स हो गई है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।